बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अक्यूट किडनी फेलियर। अक्यूट किडनी फेलियर में नॉर्मल किडनी आप देख सकते हैं, हेल्थी फंक्शन, प्रॉपर साइज एंड लो यूरिन प्रोटीन। और अब नॉर्मल किडनी, यूरेटर इन्फ्लेम्ड, ग्रेनुलर सरफेस, डिक्रीज फंक्शन, स्मॉलर साइज, हाई यूरिन प्रोटीन। अक्यूट किडनी फेलियर occur when your kidney suddenly become unable to filter waste product from your blood। यानी कि acute kidney failure की निशानी ये है कि आपके waste product जो हैं blood में से वो filter होना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। when your kidney lose their filtering ability, dangerous level of waste may accumulate and your blood chemically makeup may get out of balance। यानी कि जब आपकी kidney filtering वेस्ट प्रोडक्ट को फ़िल्टर करना बंद कर देती है, कम कर देती है, तो आपके ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मिकदार केमिकली पोटाशियम वगैरह की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अक्यूट किडनी फेलियर आल्सो कॉल्ड अक्यूट रीनल फेलियर और अक्यूट किडनी इंजरी। यानी कि हम अक्यूट किडनी फेलियर को अक्यूट रीनल फेलियर और अक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। डिवेलप रेपिडली ओवर अ फ्यू आवर और अ फ्यू डे, यानी ये कुछ दिनों में भी हो सकती है और कुछ घंटों में भी बढ़ सकती है। अक्यूट किडनी फेलियर इज़ मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज, पार्टिकुलरली इन क्रिटिकल इल पीपल हु नीड इंटेंसिव केयर। यानी कि जो लोग हॉस्पिटल में पहले से ही दाखिल हों उनको इनका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि आईसीयू में थे। अक्यूट किडनी फेलियर कैन बी फाटल एंड रिक्वायर इंटेंसिव ट्रीटमेंट। हाउ अक्यूट किडनी फेलियर मे बी रिवर्सिबल इफ़ यू आर अदरवाइज इन गुड हेल्थ, यू मे रिकवर नॉर्मल और नियरली नॉर्मल किडनी फंक्शन। यानी कि आपकी जो है किडनी नॉर्मल हो सकती है, वो आपके हेल्थ पे और नॉर्मल मेडिकेशन के ऊपर है। सिम्पटम साइन एंड सिम्पटम ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर में इंक्लूड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑल दो ओकेजनली यूरिन आउटपुट रिमेन नॉर्मल। यानी कि इसके साइन सिम्पटम ये है कि या तो यूरिन कम हो जाएगा, ये यूरिन आना बंद हो जाएगा, या कभी कभी नॉर्मली यूरिन आएगा। फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल और फीट। फ्लूइड रिटेंशन यानी फ्लूइड का जिसम से अखराज ना होना वेस्ट प्रोडक्ट का, तो आपके एंकल, पाँव यानी लेग्स वगैरह पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। ड्रोजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, कन्फ्यूजन, नोजिया, सीजर और कोमा इन सवियर कासेस, चेस्ट पेन और प्रेशर, ब्लड प्रेशर। यानी कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपको फटीग होगी, आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको दिल मतलाएगा और सीने में दर्द होगा और ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। इस मामले में आप अपने डॉक्टर से मिलें, जो कि आपकी इन साइन और सिम्पटम को देखते हुए आपको कुछ रिकमेंडेशन करेगा। इसके एक्यूट किडनी के काजेज क्या हैं? यू हैव अ कंडीशन डेट स्लो ब्लड फ्लो टू योर बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाना, यू एक्सपीरियंस डायरेक्ट डैमेज टू योर किडनी, और आपको ऐसा लगे कि आपकी किडनी का कोई मसला आ रहा है। योर किडनी यूरिन ड्रेनेज ट्यूब यूरेटर बिकम ब्लॉक एंड वेस्ट कैन नॉट लीव योर बॉडी थ्रू यूर। यानी कि आपकी किडनी में से ड्रेनेज जो यूरेटर ब्लैडर की तरफ लेके जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं लेके जाएंगे यूरिन की सूरत में। डिजीज एंड कंडीशन डे में स्लो फ्लो ऑफ ब्लड टू योर किडनी एंड लीड टू किडनी फेलियर। यानी कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आपका किडनी फेलियर की तरफ आप जाते हैं, किन किन उसके क्या फैक्टर हैं। ब्लड और फ्लूइड लॉस की वजह से ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, इन्फेक्शन, लिवर फेलियर और यूज़ ऑफ एस्पिरिन, आइब्रोफिन,
Advil, Motrin IV, other naproxen, other or related drug, इनकी वजह से भी आपका ब्लड फ्लो कम हो सकता है. सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस, बर्न्स एंड सीवियर डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन की वजह से भी. डैमेज टू द किडनी, यानी किन किन वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है. नंबर एक, ब्लड क्लॉट इन द वेन एंड आर्टरीज इन एंड अराउंड द किडनी, यानी जो ब्लड क्लॉट है आपकी वेन में और आर्टरीज में, इसकी वजह से भी हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल का वेन्स में डिपॉजिट होना, तो इस वजह से भी किडनी फिल्ट्रेशन का जो अमल है वो ख़त्म हो जाता है. ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, यानी नेफ्रॉन की सोजिश की वजह से भी किडनी का मसला आ सकता है, डैमेज हो सकती है. यूरिन ब्लॉकेज इन द किडनी, यानी कि यूरिन के बंद होने के मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं. डिजीज एंड कंडीशन डेट ब्लॉक द पैसेज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड कैन लीड टू अक्यूट किडनी फेलियर इनक्लूड, यानी कि आपका जो पैसेज है यूरिन को बॉडी से आउट करने का, वो किस वजह से ब्लॉक हो सकता है. ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर के कैंसर की वजह से. ब्लड क्लॉट इन द यूरिनरी ट्रैक, यानी कोई क्लॉट का आ जाना यूरिनरी ट्रैक में, उस वजह से. सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की वजह से. कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर की वजह से. इनलार्ज प्रोस्टेट, यानी जो प्रोस्टेट है जो इजेक्ट करते हैं जब हमें, यानी कि फीलिंग आती है यूरिन की, तो वो उनका इनलार्ज हो जाना. किडनी स्टोन की वजह से, किडनी में स्टोन वगैरह की फॉर्मेशन की वजह. नर्व डैमेजिंग इन्वॉल्विंग द नर्व डैट कंट्रोल द ब्लैडर, और नर्व की डैमेज जो के एक सेंसेशन ब्लड को हमारे ब्रेन को भेजती हैं, जिसकी वजह से हमें मसल वगैरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ब्लैडर से यूरिन को आउट करने में, उनकी डैमेज की वजह से. प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से. रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है. अक्यूट किडनी फेलियर मोस्ट आल्सो ऑलवेज अकर इन कनेक्शन विद अनदर मेडिकल कंडीशन और इवेंट कंडीशन डेट कैन काज रिस्क ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर इंक्लूड, यानी अक्यूट किडनी फेलियर मेडिकेशन के अलावा कुछ और भी ज़रा हैं जिनकी वजह से हो सकती है. सॉरी फॉर इंटर डिस्टर्बेंस, यानी कि जो लोग पहले हॉस्पिटल में हों, उस वजह से भी हो सकता है जो आईसीयू में हों स्पेशल केयर में, और एडवांस एज, और इसके बाद ब्लॉकेज इन पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, यानी कि ब्लड वेसल में ब्लॉकेज की वजह से. डायबिटीज़ की वजह से, शुगर वगैरह का जिनका मसला है. हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं अक्यूट किडनी फेलियर के. डायग्नोसिस, अक्यूट किडनी फेलियर को साइन सिम्टम के अलावा इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, ताकि इसका पता चल सके अक्यूट किडनी फेलियर है या नहीं. यूरिन आउटपुट मेजरमेंट, यानी कि आपका यूरिन किस तरह आ रहा है डेली वाइज, तो उसको डिटरमाइन करता है, उससे भी पता लग जाता है अक्यूट किडनी फेलियर का. यूरिन टेस्ट, और यूरिन के टेस्ट करते हैं जिसमें अब नॉर्मेलिटीज़, यानी कि यूरिन के एनालिसिस की वजह से. ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसमें कैरेटिन वगैरह यूरिया का लेवल चेक किया जाता है किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए. इमेजिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और कम्प्यूटराइज टोमोग्राफी की जाती है, ताकि चेक किया जा सके कोई इन्फ्लामेशन या कोई और मसला तो नहीं है, स्टोन वगैरह तो नहीं. रिमूविंग आ सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू फॉर टेस्टिंग, यानी हम किडनी की बायोप्सी करते हैं, जिसकी वजह से एक नीडल के ज़रिए हम अपने किडनी यूरिन सिस्टम में से एक सैंपल लेते हैं और
स्किन में से एक सैंपल लेते हैं जिसको बाद में लैब टेस्ट भेज के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं उसको फंक्शन को चेक करने के लिए। ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट अगर एक्यूट किडनी फेलियर में करता है तो पहले आप हॉस्पिटल देखा जाता है कि ये किस नौयत का मसला है, आपको कितने दिन का अरसा लगेगा हॉस्पिटल में, और कुछ केसेस में वो घर पर ही रिकवर हो जाती है। इसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है ट्रीटमेंट टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन योर ब्लड, यानी कि आईवी फ्लूइड यानी आपके दिए जाएंगे ताकि आपको बार बार यूरिन आए, और अगर आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है तो डॉक्टर आपको डायूरेटिक यानी पेशाबावर मेडिसिन देगा। मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड पोटाशियम, यानी आपका पोटाशियम लेवल कुछ यानी कि मेडिकेशन की वजह से और दूसरे आपकी डाइट वगैरह की वजह से अगर हाई हो जाता है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन करेगा जिसकी वजह से वो आपके पोटाशियम लेवल को ब्लड में कंट्रोल करेगा, उसको कम करेगा। मेडिकेशन टू रिस्टोर ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर आपका कैल्शियम लेवल ब्लड में कम है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा जिसकी वजह से आपका कैल्शियम का लेवल ब्लड में ठीक हो जाएगा। डायलिसिस टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम योर ब्लड, इफ टॉक्सिन बिल्ड अप इन योर ब्लड यू मे टेम्परेरी हेमोडायलिसिस, यानी कि इसमें एक किडनी की तरह एक मशीन होती है जिसमें ब्लड को पंप किया जाता है, बॉडी से निकलती है और उसमें से फिल्टर होकर डायलाइजर में से फिल्टर होकर वो दोबारा बॉडी में दाखिल होती है और इस तरह उसमें से टॉक्सिन वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं। अक्यूट किडनी फेलियर के मसले मसाइल ये हैं कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बाद में क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ चली जाती है, जो कि जिसमें किडनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और किडनी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना बंद हो जाती है जिसकी वजह से किडनी को ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और नए आने वाले व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।